मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम होता है एना। एना की बड़ी सिस्टर उसके बालों में एक क्रीम लगाती है, लेकिन जब वो उस क्रीम को वॉश करती है तो एना के कुछ बाल भी झड़ जाते हैं जिसकी वजह से एना को काफी पेन होती है। फिर हमें एक कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ वर्कर्स विग्स बना रहे थे। इस कंपनी का नाम था मेडिसन और इसका एक स्पेसिफिक लोगो भी था। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एना को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो गई है। उसके बचपन में जो बाल झड़े थे उसके जख्म के निशान आज भी थे और आज भी उन जख्मों की वजह से एना को पेन होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एना के बाल काफी फ्रीजी काफी कर्ली हैं जो कि काफी क्रीपी लुक भी देते थे, लेकिन वो अपने बालों का ट्रीटमेंट नहीं करवाती थी। एना जो कि एक टीवी चैनल पर असिस्टेंट की जॉब करती थी। फिर एक दिन कंपनी का ऑनर टीवी चैनल की हेड को निकाल कर उसकी जगह पर एक मॉडल को एज अ हेड हायर कर लेता है जिसकी वजह से सारा स्टाफ अपसेट हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो एम्प्लॉय थे इसी वजह से वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। वहीं पर हम एक लड़के होस्ट को देखते हैं जिसका नाम होता है जूलियस। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जूलियस और एना रिलेशनशिप में थे, लेकिन उसी रात जूलियस एना से रिलेशन तोड़ देता है। एना जो कि ऑलरेडी काफी वरिड थी क्योंकि इतने सालों से वो इस टीवी चैनल के लिए काम कर रही थी मगर उसकी कोई भी प्रमोशन नहीं हुई। यहाँ पर एना जूलियस से जेलस हो रही थी कि वो एक असिस्टेंट से डायरेक्ट होस्ट बन गया, जिसकी वजह से एना काफी दुखी थी और वो काफी रोती भी है। फिर लेट नाइट एना घर जाती है और घर का मालिक एना से रेंट मांगता है, लेकिन एना उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। एना की लाइफ पिछले कुछ अरसे से काफी डिस्टर्ब थी। नेक्स्ट डे चैनल की न्यू हेड जिसका नाम होता है जोरा, वो एना को अपने ऑफिस में बुलाती है और वो एना से पूछती है कि तुम इतने सालों से इस चैनल के लिए काम कर रही हो तो फिर तुम्हारी प्रमोशन क्यों नहीं हुई। जिस पर एना जवाब देती है कि कभी किसी ने मेरी प्रमोशन के बारे में सोचा ही नहीं क्योंकि कभी भी किसी ने मुझे सीरियस लिया ही नहीं। फिर एना जोरा के साथ इस चैनल की सक्सेस के लिए एक आइडिया शेयर करती है और वो ये कि ये चैनल 24 आवर्स लाइव शो करे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि चैनल को काफी सक्सेस मिलेगी। जोरा को एना का ये आइडिया काफी पसंद आता है, इसीलिए वो मजीद और इन्फॉर्मेशन एना से ले लेती है। फिर जाते जाते जोरा एना को कहती है कि तुम अपने बालों का ट्रीटमेंट करवाओ क्योंकि तुम्हारे हेयर्स काफी खराब हैं। इसीलिए जोरा एना को एक हेयर एक्सपर्ट की सैलून का कार्ड देती है। इसके बाद एना जाती है अपने अंकल के घर जहाँ पर एना के अंकल उसे एक एंशियंट बुक गिफ्ट देते हैं। एना के अंकल उसे बताते हैं कि इस एंशियंट बुक में विचेस और बालों की कहानियां बताई गई हैं, लेकिन एना जो कि इन बातों पर बिलीव नहीं करती थी इन बातों को फजूल समझती थी। इसके बाद एना अपनी आंट से कुछ पैसे लेकर उसी सैलून में जाती है जहाँ पर हेयर एक्सपर्ट एना को हर स्टाइल की विग दिखाती है। उनमें से एना एक विग सिलेक्ट कर लेती है। एना उस विग को परमानेंटली अपने सर में लगवा लेती है। वो हेयर एक्सपर्ट एना की स्कल में स्टिचेस लगाकर उस विग को फिक्स करती है। एना देखती है कि वो बिल्कुल चेंज हो गई है और वो काफी खुश हो जाती है। फिर एना को एक लिक्विड क्रीम भी दी जाती है जो कि उसने अपने बालों में लगानी है। एना को ये भी कहा जाता है कि वन वीक इन स्टिचेस में पेन होगी और एक हफ्ते के बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एना को एक जरूरी बात भी बताई जाती है जिसे उसने जरूर फॉलो करना है और वो ये कि कभी भी इन बालों पर पानी नहीं लगने देना। इसके बाद फिर से घर का मालिक एना के पास आता है और वो एना को लास्ट वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। फिर आधी रात को एना अपने अंकल की वो दी गई एंशियंट बुक को पढ़ती है। उस बुक की स्टार्टिंग में जो स्टोरी थी उसे एना पढ़ने लगती है कि एक दिन एक लेडी अपने काम से घर जा रही थी। रास्ते में उस लेडी को एक ट्री नजर आया जो कि काफी वियर्ड लग रहा था और अजीब बात तो ये है कि उस ट्री में बाल उग रहे थे। उस लेडी ने ट्री पर लगे हुए बालों को काट लिया और उसकी एक विग बनाई। स्टोरी में आगे क्या हुआ ये पढ़ने से पहले ही एना को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। नेक्स्ट डे एना जब अपने काम पर जाती है तब सब लोग उसे देख रहे थे और एना के लुक चेंज होने पर उसकी काफी तारीफें भी की जा रही थी। मीटिंग में जोरा एना के उस पूरे आइडिया को चुरा कर अपना नाम लेकर सबको बताती है। मीटिंग के बाद एना जोरा से चैनल की होस्ट बनने की डिमांड कर देती है, जिस पर जोरा एना को कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें सोचकर बता दूंगी। फिर हम देखते हैं कि आधी रात को मकान मालिक नशे की हालत में एना के रूम में आता है, लेकिन एना उसे नाइफ से स्टैब कर देती है। तब मकान मालिक के शोल्डर से खून आने लगता है और तब वहाँ पर एक अजीब चीज होती है। एना के बाल उस मकान मालिक की बॉडी में घुसकर उसका सारा खून पी लेते हैं जिसकी वजह से मकान मालिक की डेथ हो जाती है। ये देखकर एना काफी डर जाती है, इसीलिए वो मकान मालिक की डेड बॉडी को डस्टबिन में थ्रो कर देती है। नेक्स्ट डे पुलिस को भी ये बात पता नहीं चल पाती कि आखिर इस मकान मालिक की डेथ हुई कैसे है। फिर हम देखते हैं एना को जो कि अपने ऑफिस में थी और अचानक से पोजेस्ट हो जाती है और ऐसा फील हो रहा था कि जैसे एना को उसके बालों ने कंट्रोल कर लिया हो। एना वो लिक्विड क्रीम रोज अपने बालों में लगाया करती थी। एक बार एना के हाथ पर चोट लग जाती है और एना के बाल उसकी चोट से निकलने वाला खून भी पी लेते हैं। इसके बाद एना की बॉडी के जिस हिस्से से भी खून आता था उसके बाल वो खून पी लेते थे और हैरत की बात तो ये है कि जब बाल खून पी लेते थे तब उनमें शाइनिंग आ जाती थी। अब यहाँ पर बहुत से सवाल हमारे जहन में उठते हैं कि आखिर ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। मीनवाइल हम रात को पार्टी में देखते हैं कि जोरा जूलियस से ब्रेकअप कर लेती है, इसीलिए जूलियस वापस एना के पास आ जाता है। जब वो दोनों साथ होते हैं तो एना को गुस्सा आ जाता है और वो अचानक पोजेस्ट हो जाती है और पोजेस्ट एना जूलियस को मार डालती है और तब एना के बाल जूलियस का सारा खून पी लेते हैं। फिर जब एना अपनी नॉर्मल हालत में वापस आती है तब वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। फिर एना अपनी आंट को कॉल करती है। वो अपनी आंट को कहती है कि जो अंकल ने मुझे एंशियंट बुक दी थी उसे रीड कीजिए और मुझे सुनाइए। तब एना की आंट उसे स्टोरी सुनाने लगती है कि एक लेडी थी जो कि अपने काम से घर वापस जा रही थी, लेकिन रास्ते में उस लेडी को एक ब्लैक मॉस ट्री नजर आता है और उस ट्री पर बाल उगे हुए थे। वो लेडी उन बालों को तोड़ लेती है और उससे एक विग बनाती है, लेकिन फिर वो विग उस लेडी को अपने कंट्रोल में ले लेती है और हैरत की बात तो ये है कि वो बाल लोगों को मारने लगते हैं, उनका खून पीने लगते हैं। तब वो लेडी ये जान पाती है कि वो ट्री कर्स था और उस पर जो बाल लगे हुए थे वो विचेस यानी चुड़ैलों के थे और एक दिन उन बालों ने उस लेडी को फांसी लगाकर मार डाला। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि एना ने सैलून में जो विग्स देखी थी और इवन जो विग एना ने अपने सर पर लगाई थी वो सब के सब असल में चुड़ैलों के बाल हैं जो कि उस
ब्लैक मॉस नजर आने वाले ट्री से तोड़े गए थे। असल में वो ट्री था ही चुड़ैलों के बालों का। ये पूरी स्टोरी सुनकर एना बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर एना ये सोचती है कि मैं दोबारा से उस सैलून में जाऊंगी और इस विग को हटवाकर उन चुड़ैलों के बालों से जान छुड़वा लूंगी। फिर एना रात को ही उस सैलून में चली जाती है और वहां पर वो लेडी भी आई हुई थी जो कि पहले चैनल की हेड थी। एना हेयर एक्सपर्ट को कहती है कि मेरी विग को रिमूव कर दो, लेकिन जैसे ही हेयर एक्सपर्ट सीजर को बालों के पास लेकर जाती है वो बाल मूवमेंट में आते हैं और उस हेयर एक्सपर्ट को मार डालते हैं और फिर वो बाल एक एक करके सैलून में सभी लोगों को मार डालते हैं जिनमें चैनल की हेड भी शामिल थी। फिर वो बाल सब लोगों के खून को सक कर लेते हैं। एना बुरी तरह डर जाती है और वो अपने ऑफिस में आ जाती है। एना वहाँ पर एक डेड बॉडी देखती है जिसके खून को सक कर लिया गया था ऑलरेडी, जिस पर एना सोचती है कि ये किसने किया है, मैं तो वहाँ नहीं थी। तो वहाँ पर एना को जोरा मिलती है जिसे भी उन बालों ने पोजेस कर लिया था क्योंकि जोरा ने भी विग लगवाई थी। जोरा डर जाती है और वो अपने बाल काटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो बाल उसे फांसी लगाकर मार डालते हैं। यानी एना सिर्फ अकेली ही नहीं थी जिसने अपने सर पर चुड़ैलों के बाल लगाए थे, बल्कि सिटी में बहुत सारी ऐसी फीमेल्स थी जो उन चुड़ैलों के बालों की विक्टिम्स बनी। फिर एना अपने ऑफिस में जाती है। एना को बताया जाता है कि जोरा और जूलियस कहीं पर चले गए हैं, इसीलिए अब शो की होस्ट एना को बनना पड़ेगा। तब एना खुशी खुशी शो को होस्ट करने लगती है और तभी वहाँ पर आ जाती है जोरा। अब जोरा तो मर चुकी थी तो फिर वो यहाँ क्या कर रही है? असल में वो बाल अभी तक जोरा को कंट्रोल कर रहे थे। होस्ट करने के बाद एना एक एम्प्लॉय से मिलती है और जोरा उस एम्प्लॉय को मार डालती है और अब मरने की बारी थी एना की। उस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था सिवाय एना और जोरा के, इसीलिए एना जोरा से बचते हुए इधर उधर भाग रही होती है। भागते भागते एना एक रूम में जाती है जहाँ पर एना देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी विचेस हैं, बाल है और उनकी विक्स पड़ी हुई है। ये देख कर एना वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर एना को उसकी एक फ्रेंड मिल जाती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगती है, लेकिन रास्ते में ही एक विच एना की फ्रेंड को मार डालती है। एना खुद को बचाने के लिए एक वॉशरूम में छुप जाती है और एना को मारने के लिए बाहर जोरा और बहुत सारी विचेस वहाँ पर होती है। एना को उसकी मौत सामने ही नजर आ रही थी इसीलिए वो मरने के लिए बिल्कुल तैयार थी। तब एना सिगरेट जलाने लगती है। तभी एना को वहाँ पर एक फायर पंप दिखाई देता है तो एना उसके पास जाकर लाइटर जलाती है, जिसकी वजह से सारा पानी एना, जोरा और वहाँ पर जितनी भी फीमेल थी सबके सर पर गिर जाता है। यानी उन सबके बाल अब गीले हो चुके थे। एना अपने सारे बालों को स्टिचेस समेत ही उखाड़ कर फेंक देती है क्योंकि विचेस के बाल पानी में काम नहीं कर सकते थे। इसके बाद एना बाहर आ जाती है और वो देखती है कि सारी औरतें मर चुकी हैं, लेकिन जोरा अभी भी जिंदा थी और अभी भी जोरा को उन बालों ने कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन एना उसे इग्नोर करके अपने घर आ जाती है। अब एना बिल्कुल ठीक हो गई थी। नेक्स्ट एना ये जान पाती है कि जो लिक्विड क्रीम उसे बालों में लगाने के लिए दी गई थी असल में वो पिग का खून था जिससे बालों को खून मिलता था, लेकिन चुड़ैलों के बालों का इतने से खून से कुछ नहीं होने वाला था, इसीलिए उन बालों ने इतने सारे लोगों को अपना शिकार बनाया उनका खून पीने के लिए। तभी एना उस एंशिएंट बुक में एक लोगो देखती है और वो लोगो होता है मेडिसिन कंपनी का लोगो। यानी इस सबके पीछे मेडिसिन कंपनी का हाथ है। कंपनी के लोगो वाले ट्रक को हम पूरे सिटी में घूमता हुआ देखते हैं। ये ट्रक असल में सब लड़कियों पर नजर रखने के लिए घूम रहा था और यहाँ पर एक बड़ा राज रिवील होता है, यानी मेडिसिन कंपनी का ओनर और इस चैनल का ओनर एक ही पर्सन था। इसके बाद हम एना की सिस्टर को देखते हैं जो कि विग लगवाने के लिए उसे सैलून में जा रही थी। इसका मतलब ये है कि ये सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा और पूरी सिटी में जो जो भी ये विग्स लगवाने जाएगा वो इन बालों के और उन चुड़ैलों के कंट्रोल में आ जाएगा। फिर हमें वो ट्री दिखाया जाता है जिसमें विचेस के बाल उग रहे थे और उन बालों ने तो पूरे जंगल को ही अपने कंट्रोल में किया हुआ था। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।